अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप दुबई में फोर्टिफ का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं और इसकी सैलरी कितनी है यहाँ पर दुबई में और फोर्टिफ के लाइसेंस पे आपका कितना खर्चा हो सकता है और ये जो फोर्टिफ्ट है ये कैसे काम करता है, मतलब लोडिंग कैसे करता है, अनलोडिंग कैसे करता है, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो फुल वॉच कीजिए। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये वाला सामान लोड करना है जी, ये देखिए, ये पायलट है, एक दो तीन चार पायलट हैं, ये भी लोड करने हैं। तो फिलहाल तो गाड़ी खाली है, गाड़ी ओपन कर दी है मैंने ये साइड से, ठीक है। ये अभी सामान लोड करेंगे तो फिर निकलेंगे। ये देखिए मौसम, ये सारे हल्की सी धूप निकली है ये देखिए, लेकिन बादल हैं अभी काफ़ी ज़्यादा। तो चलें, फोर्कलिफ्ट आता है तो आपको लोडिंग दिखाते हैं, बल्कि फोर्कलिफ्ट आ गया है। ये देखें, ये वाले भाई अभी लोड करेंगे। ये भाई जी लोड कर रहे हैं। वीर भाई क्या हाल है? एक पायलट हो गया, दो तीन चार और पांच पायलट लोड करने, ये भी दूसरा पायलट उठाएंगे। काफी ज्यादा लोड है, ये डिश वॉश है, इसके अंदर डिश वॉश। ये देखें, ये हैंडल है, इनको ऊपर नीचे करके सामान उठाया जाता है। कितना खर्चा आ जाता है यहाँ के लाइन पर इसका, ये फोर की इसका अगर लाइसेंस लेना हो तो बेस्ट अलग है, बाकी सेम है। चार पाँच हजार आ जाते, चार पाँच हजार दिरहम। वैसे समीर भाई ये थोड़ा इजी है ना, ये गाड़ी की निस्बत ऐसे ही है ना, मतलब गाड़ी में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं, जल्दी हो जाएगा, एक ही बार मिलता है। इसका लाइसेंस भी जी यहाँ पर मिलता है और ये जल्दी मिल जाता है तकरीबन गाड़ी की निस्बत, गाड़ी के लाइसेंस में काफी टाइम लगता है। आपने कितने टाइम में लिया था? सेकंड ट्राई में आपका कितना खर्चा? साढ़े तीन हजार दिरहम इनका खर्चा हो गया था जी, सेकंड ट्राई में इन्होंने लिया था लाइसेंस जिसका फोर्थ लिफ्ट का। अभी बस एक पायलट बाकी है हमारा, फिर निकलेंगे जहाँ पर हमें सामान ये डिलीवर कर दिए हो गए और अभी बस एक पायलट बाकी है। हाँ बहन भाइयों ठीक हो? मेरे बात साहब हैं, बहन भाइयों ये जी इनवॉइस होगी हमारी, जो सामान हम लोग लेके जा रहे हैं उसके ये पेपर हैं, ये साइन करवाने होते हैं। गाड़ी लोड होगी सारी, अब इसको बंद करते हैं। गाड़ी लोड हो गई है जी, अभी निकलते हैं जहाँ पर सामान देना है वहाँ पर चलते हैं। हाँ जी, मैं पहुँच गया उस कंपनी में जहाँ पर मुझे ये सामान देना है, तो चलें आपको ये कंपनी भी दिखाते हैं और यहाँ पर भी एक फोर्कलिफ्ट है वो भी दिखाते हैं आपको, और ये भी बताएंगे उस फोर्कलिफ्ट में और इस फोर्कलिफ्ट में क्या फर्क है, इनका क्या काम है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलें अभी आपको ये वाली कंपनी दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है और गाड़ी कैसे अनलोड करते हैं, ठीक है जी। इनका एंट्रेंस है, गाड़ी अंदर डाल दी है मैंने, ये देखें, ये वेयर हाउस है इस कंपनी का, ये पीछे ऑफिस है और इनकी अकोमोडेशन यहाँ पर ही है, ये आगे
ये गाड़ी हमने ये सेट लगा दी, ये आगे देखें, ये इनकी जो ना अकोमोडेशन, इस कंपनी की अकोमोडेशन इनके पीछे ही है, मतलब यहाँ पर ही अकोमोडेशन है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी है सारी, ये सारे पायलट वगैरह पड़े हैं। इनका बेसिकली इनका काम जो है इस कंपनी का वो है लॉन्ड्री का प्रोडक्ट होता है इनके पास, ब्लीच, हैंगर वगैरह सारा लॉन्ड्री का प्रोडक्ट है सारा इनके पास। अभी गाड़ी ओपन करेंगे, सामान उतारना है ना, ये वाला गाड़ी हो गई जी ओपन, इधर से भी कर दी और पीछे से भी कर दी है। ये जो तीन पायलट हैं यहाँ से उतारेंगे और एक पायलट यहाँ से, बाकी एक बच जाएगा वो फिर गाड़ी को घुमा के तब गाड़ी का मुंह ये साइड में करना पड़ेगा, घुमा के डालेंगे तो फिर दूसरी गाड़ी की दूसरी साइड ओपन करेंगे तो वो भी उतर जाएगा। अभी ये फोरक्लिफ्ट गाड़ी उतारेगा जी, जिस फोरक्लिफ्ट ने गाड़ी लोड की थी वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का फोरक्लिफ्ट था, और ये वाला फोरक्लिफ्ट जो है ये इस कंपनी का है अपना जाती, मतलब इसको जो ड्राइव कर रहा है वो इनका अपना बंदा है। तो वो जो फोरक्लिफ्ट था वो हमने रेंट पे मंगवाया हुआ था, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी का था, मतलब वो उसकी सैलरी होती है। तो अभी गाड़ी जैसे अनलोड होती है तो आराम से मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो उनसे बात हुई थी समीर भाई से, वहाँ पर शोर था थोड़ा, अभी मैंने वीडियो देखी है तो मेरे ख्याल में सही से ना उसकी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो सकी। तो जैसे ही गाड़ी अनलोड होती है तो फिर आराम से बात करते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ कि कितने पैसे लगेंगे और सैलरी क्या हो सकती है, ठीक है, वो भी आपको बताता हूँ, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। अब ये सारे पायलट उतर गए हैं, गाड़ी मैंने दोबारा बंद कर दी है क्योंकि एक पायलट जो है ये वो साइड से उतरेगा, जो उसका वो ब्लेड जो है वो छोटा है। अभी गाड़ी घुमा के फिर डालते हैं तो ये भी उतर जाएगा, बाकी सारा सामान उतार दिया। तो गाड़ी हमारी अनलोड हो गई है जी, ये देखें खाली हो गई है। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है तो ये पानी है दुबई का, दुबई में ऐसे भी हालात होते हैं, ये देख लें, दुबई की जगह ऐसी भी होती है जो आपके सामने है अभी फिलहाल, ठीक है, पानी खड़ा है बारिश का। तो अभी बात कर लेते हैं जी फोरक्लिफ्ट के लाइसेंस के बारे में, जो मैंने समीर से बात की थी और उसने बताया था मुझे 3500 तक तकरीबन खर्चा आ जाता है सेकंड ट्राई तक, अगर सेकंड ट्राई में आप लाइसेंस ले लेते हैं फोरक्लिफ्ट का, तो अगर ज्यादा ट्राई होगी तो फिर ज्यादा खर्चा भी आ सकता है, 4500 तक भी खर्चा आ सकता है ये, ठीक है। तो ये जो जॉब है ये आपको कंपनी के अंदर भी मिल सकती है और ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर भी मिल सकती है। वो जो फोरक्लिफ्ट था वो मैंने आपको पहले भी बताया वो ट्रांसपोर्ट का था और ये कंपनी का था फोरक्लिफ्ट। गाड़ी अनलोड की है वो कंपनी का था और जिसने गाड़ी लोड की है वो ट्रांसपोर्ट का था। एक मिनट, ठीक है हाँ हो गया, एक काम था, ठीक है ना जी। तो अभी इसकी सैलरी की बात की जाए तो 3000 तक आपको सैलरी मिल सकती है, 2000 से लेकर 3000 तक आपको सैलरी इसकी मिल सकती है कंपनी के अंदर। और बाहर अगर बात की जाए, मतलब कंपनी के बाहर बात की जाए ट्रांसपोर्ट में, तो वहां पर आपको कमीशन के हिसाब से भी इसकी जॉब मिल सकती है। तो मतलब इसका बेनिफिट ये है कि आपको कोई फाइन नहीं आ सकता, आप कंपनी के अंदर ही काम करेंगे, आपने कंपनी के अंदर ही गाड़ी अनलोड करनी है, कंपनी के अंदर ही आपने अनलोड करनी है, ठीक है, सारा काम कंपनी के अंदर ही है। फोरक्लिफ्ट चला सकते हैं, आपको इसका पता है या आप सीख सकते हैं, तो पंजाबी में कहते हैं ना जाच या अटकल है आपको, तो भाई आपको कंपनी भी लाइसेंस ये लेके दे सकती है क्योंकि कंपनी की मजबूरी होगी, अगर आप जानते होंगे इसको चलाना तो कंपनी आपको एक लाइसेंस लेके दे सकती है अपने पैसों से, आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा क्योंकि काफी कंपनी है जो ये लाइसेंस लेके दे सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें, रब रखा।